हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस एकेडमी। आज इस वीडियो में भारत की नदियों संबंधी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर के बारे में जानेंगे, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह वीडियो का पार्ट 5 है। यदि आप लोग पार्ट 1 से पार्ट 4 तक नहीं देखे हैं तो उसको आप लोग देख सकते हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या जियोग्राफी प्ले लिस्ट में आप लोग जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, आप लोग इस चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि वीडियो देते समय आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो ये रहा क्वेश्चन, 1 से 80 तक क्वेश्चन पार्ट 1 से पार्ट 4 तक कवर कर दिए हैं गए हैं और 81 से 100 तक इस पार्ट में हो जाएंगे। टोटल 5 पार्ट हैं। पांचों पार्ट को देख लेंगे तो नदियों से संबंधित क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। चलिए इसका आंसर कमेंट में लिख के देते आइए। ये प्रकार आप लोगों का टेस्ट भी हो जाएगा कितने क्वेश्चन आप लोगों से बन रहे हैं। तो 81, 82 का आंसर आप लोग कमेंट में लिख के देना है। आप लोग को 10 सेकंड का टाइम मिलेगा, और ज़्यादा टाइम लगेगा तो आप वीडियो को रोक के भी आंसर दे सकते हैं। इसका आंसर दीजिए जल्दी से, 81, 82 का। कौन सी नदी दो नदियों के अमरकंटक से उद्गम होती है? कौन सी नदी दो नदियां अमरकंटक से उद्गम होती हैं? नर्मदा और सोन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर पठार से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, कौन सी नदी हिमालय के पार से निकलती है? क्वेश्चन नंबर 84 है, सिंधु नदी कौन सी सहायक नदी जो हिमालय प्रदेश से होकर बहती है? दोनों का आंसर दे दीजिए, बताइए आप लोग। क्या होगा आंसर इसका? आंसर ऑप्शन बी, हिमालय पार से कौन सी नदी? सिंधु नदी, ऑप्शन बी होगा इसका भी आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का बृहत्तम डेल्टा किसके द्वारा निर्मित होता है? 85 है, 86 है, बिहार में बनी नदियां किसका उद्गम अमरकंटक में है? जल्दी से बताइए। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानस किस नदी की उपनदी है? 87 है, 88 है, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? ऑप्शन डी आप लोग का आंसर होगा, इसका ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी सबसे अधिक पथ परिवर्तन करती है? पथ मतलब मार्ग बदलती है। 90 है, हिमालय काटकर एवं बहाकर आने वाली नदियां कौन सी हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए इसका आंसर। कौन सी नदी सबसे अधिक पथ परिवर्तन करती है? कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहते हैं, कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहते हैं। 90 का क्या होगा आंसर? ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी कौन सी है और प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? जल्दी से बताइए इसका आंसर। ऑलरेडी पार्ट 1 में समथिंग एक क्वेश्चन हो गया है, जहां तक दोनों का आंसर होगा बी और इसका भी बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इनमें से कौन सी भूमिबद्ध नदी है?
94 है, भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी है, प्रवाह वाली नदी कौन सी है? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? ये भी क्वेश्चन हो चुके हैं। ऑप्शन डी होगा इसका आंसर, और नडीसीस क्या होगा? ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में यरलुंग जंगमो नदी को किस नाम से जाना जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 97 98 है, अमरकंटक के पठार से कौन सी नदी निकलती है? दोनों को जल्दी से बताइए। 97 बहुत ही बार को क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ऑप्शन सी, दोनों का ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? 100 है, केदारनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसी तरह पूरे पार्ट कवर हो जाएंगे नदियों से संबंधित। अब जिस टॉपिक पर आप लोग को वीडियो चाहिए उसको भी आप लोग कमेंट में लिख के बता सकते हैं कि सर इस टॉपिक पर हम लोगों को वीडियो बना दीजिए, कमेंट में लिख के जरूर बताएं आप लोग। तो इसका आंसर जल्दी से बताइए। 99 का सी होगा अलकनंदा, 100 का डी होगा मंदाकिनी। बद्रीनाथ का मंदिर अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है और केदारनाथ का मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। तो ये रहा वीडियो, वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।